मिनिमम कितनी वेलोसिटी से फेंकना है कि ये वापस ना आए, अर्थ पे वापस ना आए। एडिशनल मतलब जो भी r डिस्टेंस पर वेलोसिटी है उसकी बात हो रही है ना, r डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमने वेलोसिटी दी है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या बात होगा ये बताया। नॉट से ब्रेक हो गए तो सर्कल में घूमने लग जाएगा तो वापस नहीं आएगा, बट क्या वो मिनिमम है? क्वेश्चन में केवल वेलोसिटी नहीं बोला है ना, मिनिमम वेलोसिटी बोला है जिससे फेंके तो वापस ना आए। वी नॉट से कम करोगे तो क्या होगा? इलिप्टिकल पाथ में आएगा। तो क्या कोई ऐसा इलिप्स पॉसिबल है जो उसको बिना टच किए निकल जाए, बिना कोलाइड किए? दिमाग तो चलता है भाई, आलसी तो थोड़ा। मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि जो 2a होगा वो 2r plus h से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कुछ ऐसा ही है, थोड़ा उसी पे दिमाग लगाना है आपको। आर से तो बड़ी होगी, बट वही सोचना है कितनी होनी चाहिए। बात एक बार आपको समझ आ गया एग्जैक्ट बात, तो आप वेलोसिटी बता पाओगे। वैल्यू आई वो
क्या किया है, कॉन्सेप्ट बता दो बस। पहले सबको पाथ समझ आया, पाथ क्या होना चाहिए? अगर आपने देखो यहाँ पे इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी से फेंका तो ये पूरा ऐसे सर्कुलर पाथ पे जाएगा ना, अगर आपने ऑर्बिटल से फेंका। लेकिन आपने वेलोसिटी ऑर्बिटल से थोड़ा कम किया तो इसके अंदर एक इलिप्स बन जाएगा, हल्का सा कम किया तो थोड़ा सा अंदर आएगा ना पाथ, लेकिन इलिप्स हो जाएगा। और कम करोगे तो ये पाथ और छोटा इलिप्स बनेगा ना, आप ऐसे कम करते जा रहे हो, तो कम करते जा रहे हो और अर्थ पे वो टकराना नहीं चाहिए। तो सबसे छोटा इलिप्स कितना हो सकता है कि वो ऐसे कुछ आ रहा हो जस्ट यहां से टच करता हुआ ना उस साइड को निकल ले, सबसे छोटा इलिप्स यही पॉसिबल होगा ना। इससे भी छोटा किया तो फिर जाकर के टकराना शुरू हो जाएगा, और छोटा करते जाओगे और पहले टकराता जाएगा। सबसे छोटा इलिप्स यही पॉसिबल है ना, अगर ये सबसे छोटा इलिप्स हुआ तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे ना। सेंटर तो ये ना, सेंटर के अबाउट सब कुछ हो रहा है ना, तो ये कौन सा वाला पॉइंट होगा, पेरिजी होगा या पॉजी होगा, एपॉजी होगा ना, दूर वाला पॉइंट है ये, पास वाला यहाँ पे पेरिजी बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये एपॉजी है तो इसकी डिस्टेंस कितनी बोलोगे, अगर इस एलिप्स का मेजर एक्सिस 2a है ना, तो ये डिस्टेंस सेंटर से कितनी होनी चाहिए, सेंटर से एपॉजी की डिस्टेंस a प्लस ई होगा ना अर्थ के सेंटर से। ये बात समझाने की जरूरत है और ठीक है, क्लियर सबको? तो हम लोग बोल सकते हैं कि r प्लस h जो है यहां पे ये बराबर है a 1 प्लस e के, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी ना, ये फोकस है ना, यहां अर्थ का सेंटर फोकस है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो रखी है, ये r है, और ये होना कितना चाहिए a और e के टर्म में, ए वन माइनस ई होना चाहिए। तो बोल सकते हैं आर यहाँ पे कितना है, ए वन माइनस ई। अब अगर इस पाथ पे भेजना है तो ये एपॉजी है, एपॉजी वाली वेलोसिटी देनी पड़ेगी, एपॉजी की वेलोसिटी कितनी होती है, वी ए इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई ए, एपॉजी पे कम लेते हैं ना, तो हमको क्या क्या चाहिए, एक तो ए की वैल्यू चाहिए और वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अगर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दे तो ये अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो तो इससे आ जाएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई की जगह लिख देंगे r ओवर r प्लस h। फिर a चाहिए, a के लिए क्या करोगे, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे a आ जाएगा, ऐड कर दो तो ये आ जाएगा टू आर प्लस एच बराबर आ जाएगा 2a, तो a इक्वल टू आ जाएगा 2r प्लस एच बाय 2 ना, दोनों वैल्यू आ गए जो हमें चाहिए यहाँ पे, ये चाहिए था और ये रेशियो चाहिए था। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो तो va की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a मतलब 2r प्लस एच बाय 2, बाय 2 ऊपर आ जाएगा, यहां पे लिख देंगे ये रेशियो r ओवर r प्लस h ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये मिनिमम वेलोसिटी ना, इससे कम किया तो टकरा जाएगा। क्वेश्चन सबको क्लियर था ना, क्वेश्चन क्या था, कम से कम वेलोसिटी देके उसको वापस अर्थ पे नहीं आने देना है ना, तो वो यही वाली वेलोसिटी पॉसिबल है। आगे ग्रेविटेशन हो जाएगा, मतलब अब लगभग हो ही गया है, 2-3 और क्वेश्चन कराने हैं बस, ये खत्म है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आज ही स्टार्ट कर दूंगा, हीट अब स्टार्ट करूंगा अगला चैप्टर।
रब कर दूं? नहीं, ये इलिप्स है, जो भी ये पाथ भी अंदर जा रहा है वो सब इलिप्टिकल पाथ। तो ये डायग्राम पे एग्जैक्ट मत जाओ, वो इलिप्टिकल ये ऐसे अगर गया है तो इलिप्स ही बन सकता है ना, सर्कल तो नहीं है ये। एग्जैक्ट उस डायग्राम पे मत जाओ क्योंकि वो अप टू द स्केल नहीं है। रब करूं? ये देखो कोई सैटेलाइट है किसी प्लैनेट के अराउंड आर रेडियस के ऑर्बिट में वो घूम रहा था ना, आर रेडियस में वो घूम रहा है। अब अगर घूमने का उसका टाइम पीरियड टी है ना, ये टी आपको गिवन है, तो आपको बताना है कि अगर मैं इसको अचानक से रोक के छोड़ दूं ना, रोक दिया जाए फिर छोड़ दिया जाए, तो अब क्या होगा? नीचे गिरेगा, तो ये अर्थ के पास जाके टकराएगा, प्लैनेट पे जाके टकराएगा, तो टकराने में उसको कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन में जो प्लैनेट का रेडियस है दैट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये गिवन है। और क्वेश्चन क्या है? सैटेलाइट का मास यहाँ पे जो है वो प्लैनेट के मास के आगे बहुत कम है, m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल है। ये नहीं कि ये भी आप अट्रैक्ट होकर इधर जाने लगा, ये इधर, ऐसे नहीं सोचना है ना। इसका मास बहुत ज्यादा है तो आप मानोगे कि लगभग ये रुका हुआ है, ये अट्रैक्ट होकर आके टकरा रहा है। आंसर आपको कैपिटल टी जो गिवन है ना उसके टर्म में बताना है, आपको केवल ये टाइम पीरियड टी गिवन है, तो टी बाई टू हो जाएगा, टी बाई फोर हो जाएगा, ऐसे टी के टर्म में बताना है कितना टाइम लगेगा। This will be root 2r square बोला ना, केवल कैपिटल टी के टर्म में बताओ, आर का टर्म नहीं आएगा, कहीं की जरूरत होगा तो कैपिटल आर बहुत छोटा है स्मॉल आर से ना, तो अगर कैलकुलेशन में कहीं पे भी स्मॉल आर कैपिटल आर आ रहा है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो नेग्लेक्ट कर सकते हो।